आंधा बुराई पर अच्छाई की जीत का प्रतीक रावण का पुतला दहन करके मनाया गया विजयदशमी का बड़े धूमधाम से त्यौहार। बांदा जनपद के बिबेरू कस्बे में 175वां रामलीला में हर वर्ष की भांति इस वर्ष भी प्रसिद्ध मेघनाथ रावण कद हुआ। मेघनाथ रावण के मारे जाने पर श्री राम लक्ष्मण का जयघोष हुआ और इसके बाद एक दूसरे से गले मिलकर मीठा और पान खिलाकर दशहरे की शुभकामनाएं दिया और भारी संख्या में पुलिस व सुरक्षा व्यवस्था में लगा रहा। हर वर्ष की भांति इस वर्ष 175वां रामलीला 15 दिन चलने के बाद औगासी रोड स्थित दशहरा मैदान में राम रावण का युद्ध लक्ष्मण मेघनाथ का युद्ध कराया गया, जिसमें युद्ध से पहले कस्बे के सभी जवार को भगवान श्री राम के आरती उतार कर युद्ध प्रारंभ हुआ। लक्ष्मण ने मेघनाथ का वध किया और श्री राम ने रावण का वध किया। बुराई पर सत्य की जीत हुई। 70 वर्ष पहले से राम नाम का युद्ध होता था। दशहरा के अंतिम दिन जब तक नौ दिन रामलीला होती 15 दिन उसके पश्चात विजयदशमी राम और रावण का युद्ध होता था तो यहाँ खेला गया। इसी हम लोगों की जय है, सत्य विजय, असत की विजय सत्य करता है, यही हमारी है कि हम लोग आज विजयदशमी है। आप क्या संदेश देना चाहेंगे? विजयदशमी होता है कि असत की जीत सत्य, सत्य की जय सत्य होती है। सत्य हमेशा काम करता है, धर्म हमेशा काम करता है, धर्म की हमेशा जीत होगी, यही हमारी शुभकामना है सब। ठीक, दशहरा के शुभ अवसर पर आज भगवान श्री राम ने अधर्म को नाश करते हुए धर्म की विजय प्राप्त की और सत्य के मार्ग पर चलने की हम लोगों को एक अनुकरण मिलने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। आए हुए सभी श्रद्धालु भक्तों का, क्षेत्रवासियों का हृदय से आभार अभिनंदन करता हूँ। दशहरा के इस पावन अवसर पर मैं सबको हार्दिक शुभकामनाएं देता हूँ। जनपदवासियों को पुनः शुभकामनाएं देता हूँ। आप सबके कमेटी को बहुत बहुत आभार, धन्यवाद। 75 साल का दशहरा आज सम्पन्न हुआ। रामलीला मैदान में 15 दिन भगवान राम की लीला दिखाई जाती है। इसके बाद आज जो है 15वें दिन यहाँ दशहरा मैदान में राम रावण युद्ध, मेघनाथ लक्ष्मण युद्ध और इसी तरह से हमारे क्षेत्र की जनता आकर के हमारा उत्साहवर्धन करती है और यहाँ जवारों वालों का विशेष योगदान इस रामलीला समिति और मेला के लिए योगदान उनका रहता है। आयोजन किया गया है क्या है? ये हमारे रामलीला संस्था का 175वां वर्ष है और ये आज विजयादशमी के रोज पहले पूरी रामलीला 17 दिन की हमारी रामलीला मैदान में संपन्न की जाती है। इसके बाद विजयादशमी के रोज राम रावण युद्ध दशहरे मैदान में जो औगासी रोड में स्थित है यहाँ पर रावण की मूर्ति है और यहाँ सुमेरगिर भवन है जहाँ पर इसी मैदान में राम रावण युद्ध और मेघनाथ लक्ष्मण का युद्ध कराया जाता है जिसमें क्षेत्र के हजारों नर नारी दर्शक के रूप में उपस्थित रहते हैं और सारे जनप्रतिनिधियों के द्वारा इस क्षेत्र का भी विकास कराया गया। लगभग 75 लाख की लागत से रावण अशोक वाटिका, अयोध्यापुरी मिट्टी की पुराई एवं इसकी दीवारों की बनवाई आज में खर्च किया गया जो मेरे ही कार्यकाल में 1990 से लेकर आज तक में 21 बार रामलीला का प्रबंधक बना और सारे जनप्रतिनिधियों से मिलकर जो भी मुझसे बन पड़ा विकास के कार्य कराता गया हूँ। जय श्री राम।